प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म मॉडर्न माइंड्स। आज की हमारी वर्कशीट के अंदर हम SERT काउंसिल के द्वारा दी गई एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट जो वर्कशीट है वो करेंगे। वर्कशीट की संख्या है वर्कशीट नंबर 8। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे कि हम लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट होता है, उसके बाद नेम ऑफ टीचर, उसके बाद हम क्लास को लिखते हैं। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 2 वर्कशीट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 2 ये है यानी कि प्रभावी संचार आपको कैसे करना है, आप प्रभावी रूप से दूसरे व्यक्ति से बात कैसे करेंगे, उसका पार्ट 2 है। आइए शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। पिछली वर्कशीट में हमने अपने अपने परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों के साथ ध्यान से सुनने व स्पष्ट रूप से बोलने का अभ्यास किया था। मतलब जो पिछली हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने ये देखा था कि हमने अपने परिवार के सदस्यों के साथ और दोस्तों के साथ बात कैसे करते हैं, उनकी बात को ध्यान से कैसे सुनते हैं और उनको स्पष्ट रूप से रिप्लाई कैसे करते हैं। तो आइए उस अभ्यास को दोहराते हैं अपनी पहली गतिविधि में, पहली एक्टिविटी में। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी में क्या है, एक्टिविटी में आपको दे रखा है कि मैं एक बल्ब हूँ। यहाँ पर आपको एक बल्ब का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। मैं एक बल्ब हूँ, मेरा नाम रौनक है, तो बल्ब का नाम यहाँ पर रौनक दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है मेरा उद्देश्य है सबसे चमकदार रोशनी देना। और देखिए इसको ये पता है कि इसका उद्देश्य क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि इसका एक तरीके से इसका एम क्या है, ओके। उसके बाद बोल रहा है मुझे जरूरत है किसकी, बिजली की। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको सबको कोई भी काम करना है, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप आपका माइंड सेट बनाना है अगर आपको, तो आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, आप कौन है, आपका उद्देश्य क्या है और आपको जरूरत किसकी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आगे क्या प्रश्न कुछ दे रखे हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है उपयुक्त लिखी पंक्तियां पढ़कर आपको रौनक के बारे में क्या पता चला। तो हमें ये पता चला कि रौनक एक बल्ब है, उसका उद्देश्य सबसे चमकदार रोशनी देना है और उसको जरूरत किसकी होती है, बिजली। उसके बाद दूसरा यहाँ पर पॉइंट है इस गतिविधि को अपने परिवार के सदस्य के साथ मिलकर कीजिए। सबको कोई वस्तु बनाने की कल्पना करनी, यानी कि सबको किसी वस्तु के रूप में आपको मानना है, ठीक है। और रौनक की तरह ही उद्देश्य और जरूरतें एक दूसरे को बतानी है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, आपके घर के मान लो 4 सदस्य हैं, किसी को आप बल्ब बना दीजिए, किसी को मोबाइल फोन बना दीजिए, किसी को लैपटॉप बना दीजिए, किसी को भी कोई भी और वस्तु का नाम दे दीजिए। फिर उससे आपको बात करनी है कि उसका उद्देश्य क्या है और उसकी जरूरतें क्या क्या है। सब अपने उद्देश्य और जरूरतें बताएंगे यहाँ इस एक्टिविटी में। उसके बाद अगला आपका पॉइंट है ये बात तो हुई किसी वस्तु के उद्देश्य व जरूरतों की कल्पना करने की, अब बारी है अपने परिवार के सदस्यों के साथ वास्तविक उद्देश्य व जरूरतों की चर्चा करने। यानी कि देखिए परिवार के साथ आपको जो आपके रियलिस्टिक जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं और उनकी जरूरतें क्या क्या हैं उसके बारे में आपको चर्चा करना है। अपने परिवार के सदस्यों को अपने भविष्य के उद्देश्य व जरूरतें बताइए। यानी कि देखिए आप भविष्य में ऐसे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसका वो आपका उद्देश्य है और उसके लिए जरूरतें क्या है, जैसे आपको भी मान लो पैसे चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, आपको MBBS MS से कोर्स करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत सारी मन की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए वो जरूरत के रूप में आप बता सकते हैं। अपने भविष्य के उद्देश्य और जरूरतों को भी जानिए कि भाई आपको आगे क्या करना है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका उसके लिए जरूरतें क्या होंगी। क्या प्रभावी संचार में ध्यान से सीखने व स्पष्ट बोलने के अलावा भी कुछ सीखने कुछ और जरूर है, क्या है वो हम आगे इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको 3 चित्र मिलेंगे। पहला चित्र जो है यहाँ पर आपके पहले चित्र के अंदर एक वक्ता है, एक स्पीकर है जो कि अपने विचार जो है आपके साथ साझा कर रहा है। दूसरा चित्र जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए एडवाइजरी है कि एडवाइजरी ऑन सोशल डिस्टेंसिंग टू फाइट COVID-19, यानी कि आप COVID-19 को कैसे फाइट करेंगे उसके बारे में एडवाइजरी आपको यहाँ पर इसमें दे रखी है। उसके बाद तीसरा जो है तीसरे पिक्चर के अंदर यहाँ पर आपको चॉकलेट की एड है, एडवर्टीजमेंट है, एक विज्ञापन है कि चॉकलेट क्या है वो अपने इस फोटो के माध्यम से आप कैसे चॉकलेट खाने के लिए प्रोत्साहित होंगे उसके लिए एक विज्ञापन बना है। तो बेकिंग के बारे में चिंता देखना पड़ती है। ऊपर दिए गए चित्रों में अपनी बात से अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पहले चित्रों में दिए अपने विचारों को कई लोगों के सामने प्रस्तुत करके, दूसरे में पोस्टर के माध्यम से, तीसरे में अखबार के विज्ञापन के जरिए से प्रभावित
लेकिन यहाँ पर क्या है, पहला जो है इसमें तो बंदा जो है वो खुद ही सामने से बोल रहा है, दूसरे वाले में जो है वो पोस्टर जमा दीजिए, पोस्टर का एग्जाम्पल उसके जमा दीजिए, बाय एग्जाम्पल ऑफ पोस्टर वी आर अप्रोचिंग टू द पब्लिक। एंड द थर्ड पिक्चर, दिस इज अ एडवर्टीजमेंट व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। ओके, तो आगे क्या दे रखा है, बोलने के साथ चित्रों द्वारा अपनी बात कह पाना और चित्रों मीडिया का संदेश समझ पाना 21वीं सदी के उपयोगी एक क्षमता महत्वपूर्ण क्षमता है। देखिए इसमें क्या बता रखा है, बता रहे हैं आप चित्रों के द्वारा बात बोल रहे हैं, चित्रों से या संकेत समझ रहे हैं कि चित्रों में क्या दिया जा रहा है, क्या है, या एक बहुत महत्वपूर्ण क्षमता है जो आपकी पूरी सदियों को काम कर रहा है। आइए हम जानते हैं, हम भी अपनी बात से लोगों को प्रभावित करने की एक मजेदार जो गतिविधि है वो इंटरेस्टिंग गतिविधि अभी करने वाले हैं। सुनिए देखिए क्या होगी वो गतिविधि। सबसे पहला पॉइंट है, कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छा लगता है, जैसे विमान लो आपको अच्छा लगता है, निर्मा एक बहुत पुरानी एड आती थी, वॉशिंग पाउडर निर्मा, निर्मा जो सर्फ है, सर्फ है, डिटर्जेंट पाउडर है उसकी, तो ये टीवी और रेडियो पर आने वाले विज्ञापन भी हो सकते हैं और अखबार में छापने वाले, इसी के बारे में सोचिए। ठीक, उसके दूसरे पॉइंट आपको क्या करना है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि किन बातों के कारण कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से ज्यादा आप पसंद नहीं लगते थे। एक विज्ञापन ऐसा होगा जो आपको बहुत ज्यादा पसंद होगा, एक विज्ञापन ऐसा जिसको आप देखने के लिए 1% भी प्रयास नहीं करेंगे, तो आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर ये चर्चा कर सकते हैं कि एक विज्ञापन आपको कितना पसंद आया, तो क्यों आया। ठीक, उसके तीसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या वस्तु के लिए विज्ञापन बनाइए, चित्र लेकर बनाइए चाहिए, ये चित्र बनाकर बनाइए, वीडियो बनाकर या ऑडियो बनाकर, आपको क्या करना है। देखिए अगर मान लो आप कोई वस्तु निर्माता है और आप चाहते हैं कि मेरी ये जो वस्तु है, मेरी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आइडेंटिटी है, ये बिके, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप विज्ञापन बनाओगे, एडवर्टीजमेंट बनाओगे, चाहे तो आप रिटन लैंग्वेज में बनाओ, चाहे आप उसका पोस्टर बनाओ, चित्र बनाओ, वीडियो बनाओ, ऑडियो बनाओ, तो ये बनाइए। और लास्ट पॉइंट में आपको क्या करना है, क्या आपका विज्ञापन दूसरों को प्रभावित कर पाएगा, यह जांचने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना, क्योंकि आपका विज्ञापन आपकी वस्तु तभी बिकेगी जब आपका विज्ञापन प्रभावी होगा, और प्रभावी तभी होगा जो दूसरे उसपे उसमें ये पॉइंट मिल पाएंगे। ओके, जांचते हैं कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है, क्या विज्ञापन देखने वाले को अपना फायदा दिख रहा है, कि जैसे मैं अगर मान लो डिटर्जेंट पाउडर बेच रहा हूँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहा हूँ, तो विज्ञापन देखने वाला जो बंदा है ना उसको उस आइटम के अंदर अपना फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि वो चीज उसके काम की होनी चाहिए। दूसरा है, क्या विज्ञापन देखने वाले को वस्तु या मुद्दे की बात समझ में आ रही है, मतलब क्या है कि जो कंटेंट है आपके विज्ञापन का वो बंदे तक, वो व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है, विज्ञापन देखने के बाद क्या विज्ञापन देखने वाले को कुछ प्रेरणा मिल रही है, मीन्स यहाँ पर आया मोटिवेशन पॉइंट। मोटिवेशन पॉइंट क्या है कि अगर मान लो विज्ञापन देखने वाले को आपका विज्ञापन देखने के बाद उससे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली है, तभी जाके आपकी वो वस्तु है, आपका जो आइडेंटिटी, आपकी जो आइटम है वो बिकेगी, वो लेगा। क्या वह है अपनी कोई आदत या नजरिया बदलने को तैयार है, अगर आप एक अच्छे मोटिवेटर हैं तो 10 से कम 2 या 3 बंदों का नजरिया या आदत या हैबिट आप चेंज करने में सफल हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए पुराने समय में हम सब, मैं खुद भी देखता था, शक्तिमान एक सीरियल आता था डीडी नेशनल पर, उसमें क्या होता था, उसमें लास्ट में आपको छोटी छोटी मोटिव आदत दिखाते थे, वहाँ पर क्या होता था कई बार पानी बहरा होता था, कोई ब्रश कर रहा है, टैप खुला है, तो वहाँ पर शक्तिमान आगे खुद एग्जाम खुद बोलता था कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, टैप को खुला रखा है, तो टैप बंद होना चाहिए उस टाइम पे। तो ये उदाहरण से हम खुद भी क्या करते थे, कई बार एक दो बार खोल के छोड़ देते थे, तो उसको बंद कर देते थे। ओके, तो ऐसा आपको मोटिवेशन दूसरों को करना है, मोटिवेट करना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने विज्ञापन का फीडबैक लेना है। कैसे फीडबैक लेना, देखिए अब अपना विज्ञापन अपने एक साथी के साथ साझा कीजिए, मान लो आपने बनाया तो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, उसे भी अपना विज्ञापन उसके साथ साझा करने के लिए कहिए, मतलब कोई आपके क्लासमेट है तो उसको भी बोलिए कि अपना विज्ञापन आपके साथ साझा करें,
एक दूसरे को फोन करके बताइए क्या बताना है। यहाँ पर आ गया आपका विज्ञापन का फीडबैक। ओके, आपका विज्ञापन कैसा लगा, विज्ञापन के बारे में आपका क्या सवाल है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद विज्ञापन में क्या सबसे अच्छा लगा और विज्ञापन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता, मतलब आपको ये भी पूछना है कि भाई विज्ञापन के बारे में इसको मैं और इफेक्टिव कैसे बनाऊं। ठीक है, उसके बाद क्या करना आपको, अपने इस गतिविधि में अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के बारे में क्या सीखा, एक्टिविटी करके आपने क्या सीखा कि कैसे आप दूसरों को प्रभावी रूप से इफेक्ट करें, प्रभावी रूप से उनका संचार करें। ठीक है, तो अंत में हम बोलेंगे प्रभावी संचार के अनेक आयाम हैं, किसी को ध्यान से सुनने से लेकर उन्हें प्रभावित कर पाने तक, मतलब अगर आप किसी की बात सुनेंगे तो भी आप प्रभावित, आप खुद भी प्रभावित होंगे और उसके बाद उसे बोलेंगे तो सामने वाले भी प्रभावित हो जाए। इनका नियमित रूप से अभ्यास करके हम सब भी इन दक्षताओं को हासिल कर सकते हैं, कुछ सकारात्मक रूप से जुड़ने में सफल हो सकते हैं। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे आप दूसरे बंदे के साथ में जुड़ सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट आपकी EMCE वर्कशीट नंबर 8। आशा करता हूँ आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी। वर्कशीट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन और वीडियो आपको समय से मिलती रहे। कमेंट कीजिए हमें आपके वर्कशीट में कैसे आपको संतुष्ट किया, आप हमारे वर्कशीट, हमारे लैंग्वेज, हमारे टीचिंग से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, तो कमेंट कीजिए उसके लिए, या कोई और हेल्प हो तो उसके लिए आप कमेंट छोड़ दें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय वाशिंग।